गुड मॉर्निंग, नमस्ते दोस्तों। आज एक नया प्लांट के बारे में मुझे कुछ बताना है। हम लोग जो गरम मसाला यूज करते हैं उसमें इलायची तो यूज ही होते ही है। जितने भेज नॉन वेज खाना बनते हैं सब में इलायची तो यूज होती ही है, मिठाई में भी यूज होते हैं। इसके महक इतना अच्छा होते हैं, सबको पसंद है। आज वही प्लांट आप लोगों को मैं दिखाऊंगी, उसके पास ही मैं जा रही हूँ। ये देखिए, ये मेरा हिबिस्कस आज सुबह ही खिले हैं। ये मेरा इलायची प्लांट है, ये एवरग्रीन प्लांट है। पूरा साल भर इस तरह ही रहते हैं, कोई डिफरेंस होते ही नहीं कलर की। इतना अच्छा लगता है, मेरे गार्डन में सबसे ब्यूटीफुल ये प्लांट ही है। ये 5 साल के ऊपर हो गया इसका एज, और हाइट 6.5 फीट तो हो ही जाएगा। और उसके ऊपर सबसे बड़ी बात है, हम लोग झारखंड पे रहते हैं, इतना गर्मी पड़ती है क्या बताऊँ। सब लोग जानते हैं कितना टेम्परेचर हो जाते हैं, फिर भी इस प्लांट में 3 साल हो गया, फ्लावर भी अच्छी तरह से आते हैं। थोड़ा कम होते हैं क्योंकि गर्मी के कारण गिर जाते हैं। ये देखिए, पहले मैं आप सबको ये प्लांट दिखा देती हूँ। ये इसके फ्लावर है, सब साइड पे इसके फ्लावर हुए। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, देखिए ऊपर भी देखिए। ये फ्लावर से इसके इलायची बनेगा। मिडिल ऑफ मार्च से अप्रैल तक फ्लावर आते हैं। मेरा छोटा गार्डन है, इधर इतनी धूप होते हैं फिर भी हुए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जब टाइम आ जाते हैं ये अपने आप हो ही जाते हैं। आप इसको केयर करें या ना करें, इसमें इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक बात है, मैं इधर गमला में लगा दिया इसको, लेकिन आप जमीन में लगाएंगे तो वो और भी ज्यादा फैल जाते हैं। मुझे लगता है और भी ज्यादा इलायची भी आएगा, वो ज्यादा स्पेस पाएगा, जगह पाएगा। कम जगह के कारण क्या होते हैं, इसमें जो इलायची बनते हैं ये थोड़ा थोड़ा गिर जाते हैं। मैं एक प्लांट तो लगाई थी और वही एक प्लांट से इतने सारे प्लांट बन गया। दोस्तों, इलायची प्लांट लगाने से पहले एक बात आपको जरूर याद रखना है, वो है इलायची प्लांट में बहुत ताकत होते हैं। मैंने पहले जब इसको लगाई थी, पहले छोटा गमला में लगाई थी, उसके बाद 20 इंच गमला मिट्टी का था। ये थोड़ा बड़ा होकर मिट्टी का गमला तोड़ दिए, उसके बाद और भी एक मिट्टी का गमला मैंने दे दिए, वो भी तोड़ दिए। इसके बाद मैं ये सीमेंट के गमला बड़ा करके ऑर्डर देकर मैं बनाई हूँ। इसमें ये एडजस्ट हो पाए, ये तोड़ नहीं पाए। और इसको लगाने का टाइम जुलाई अगस्त तो होते ही है, आप फरवरी में भी लगा सकते हो। पुराने स्टेम के ऊपर ही इलायची का फ्लावर आते हैं। दोस्तों, ये सूखे पत्ते जो देख रहे हो, ये कोई इसका बीमारी नहीं है। गर्मी के कारण इसके पत्ते सूख जाते हैं, और अंदर ये जो स्टेम है, ये स्टेम हरा हरा रहते हैं। ये पत्ता मत काटिएगा, ये गर्मी के टाइम पे ये मल्चिंग के काम आ जाते हैं। मैं इसके ऊपर जब पानी देती हूँ और ये सब भीग जाते हैं और ये भीगा भीगा रहते हैं, ये इसे बहुत पसंद है। दोस्तों, आप कोई खाना बना रहे हो उसमें इलायची डालना है, इलायची घर में नहीं है तो क्या हुआ, इसके पत्ता आप यूज कर सकते हो, एक ही फ्लेवर आएगा। और इसको लगाने के लिए, मेरा तो छत पर गार्डन है, इसे हल्का मिट्टी होना चाहिए, तो मैं सब टाइम बोलती हूँ। इसके लिए आपको लेना है 40% गार्डन सॉइल, 40% कॉम्पोस्ट और 20% सैंड। कॉम्पोस्ट के तौर पे आप पुराना काउडंग या गोबर, और उसके साथ आप भार्मी कॉम्पोस्ट भी ले सकते हो, जो भी आपके पास है वही आपको लेना है। उसके साथ इतना बड़ा गमला हुए तो 3 टीस्पून नीम खली, 3 टीस्पून बोन मिल और 2 टीस्पून एंटीफंगल पाउडर उस पॉटिंग सॉइल में मिला लीजिएगा। यही इसका बेस्ट पॉटिंग सॉइल है। और इसे हर दिन पानी देना पड़ता है, हमारे इधर बहुत गर्मी होते हैं, इसे पानी बहुत पसंद है। ये प्लांट मेनली इंडिया के पश्चिम घाट पर्वतमाला, उधर ज़्यादा होते हैं, उधर ऑल स्पाइसेस प्लांट होते हैं, जैसे दालचीनी, सिनामन, काली मिर्च, लंग, इतने बड़े बड़े पेड़ होते हैं उधर। उस पेड़ के नीचे ये प्लांट ग्रो करते हैं अच्छी तरह से, उसके वो बड़ा बड़ा पेड़ के ऊपर नीचे थोड़ा थोड़ा करके सारा दिन भर धूप आते हैं। उसके बाद उधर 24 आवर्स में 3-4 बार बारिश हो ही जाते हैं। इस टाइप का इस
और इधर इसे बहुत पसंद है, मतलब ये ह्यूमिडिटी पसंद करते हैं। हमें तो ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा ही। इसके लिए क्या करना है, ये देखिए, इसके पास देखिए, ये बड़ा बाल्टी है। बाल्टी में मैं सब टाइम पानी रख देती हूँ और इस पानी से इसे ह्यूमिडिटी मिलते हैं। यही चाहिए, इसमें धूप भी चाहिए, उसके ऊपर बारिश भी चाहिए। और सब दिन इसे शावर बहुत पसंद है, शावर कर देना चाहिए। शाम को तो मैं सब दिन इसे शावर कर देती हूँ। इसके फर्टिलाइजर के बारे में मुझे बोलना है तो एक बात मैं बोल देती हूँ, मेरे एक्सपीरियंस से ही मैं बोल रही हूँ, आप इसे कुछ फर्टिलाइजर ना भी दो, फिर भी ये जिंदा रहेगा, फिर भी इसमें फ्लावर आएगा। ज्यादा देखभाल करने की जरूरत नहीं पड़ते, ये अपने आप बड़ा हो जाते हैं। सिर्फ ये गमला में है, इसीलिए आप चाहो तो देखभाल कर सकते हो। मैं जैसे करती हूँ, मैं कोई केमिकल फर्टिलाइजर यूज करती ही नहीं हूँ, ऑर्गेनिक यूज करती हूँ। इस गमले में देखिए, सब्जी का छिलका, केले का छिलका सब होते हैं। मैं दो दिन भिगो कर रखती हूँ पानी में। यही पानी दो दिन के बाद छान कर उसके साथ और पानी मिला कर, ये देखिए, एंटी फंगल पाउडर, मैं साफ पाउडर यूज करती हूँ, इसके साथ एक चम्मच मिला दीजिएगा। और यही पानी आप वीक में एक बार करके या 10 दिन में एक बार करके गमले में आप दे सकते हो। ये इसका सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर। इस प्लांट में मैंने अभी तक ज्यादा पेस्ट अटैक होने तो नहीं देखा, फिर भी एक आध टाइम देखती हूँ इस लिप के ऊपर थोड़ा थोड़ा छेद हो जाते हैं, कीड़ा आते हैं, खाते हैं लिप को। इसके लिए 1 लीटर पानी में 1 चम्मच नीम ऑयल, उसके साथ कोई भी लिक्विड डिश वॉशर आप चम्मच मिला लीजिएगा और शाम 5 बजे के बाद स्प्रे कर दीजिएगा, महीने में एक बार या दो बार। आप 1 लीटर पानी में 1 चम्मच शैम्पू, जो हम लोग बालों के लिए यूज करते हैं, वो भी मिलाकर शाम 5 बजे के बाद स्प्रे कर दीजिएगा महीने में दो बार। दोस्तों, इस प्लांट के बारे में मुझे जितना मालूम था मैं आप लोगों से शेयर कर दी। आशा करती हूँ मेरा वीडियो आप सबको अच्छा लगेगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्ते।